सर दोपहर गर्मी च डंगर लैके आ रहा पिछो उठ के आ रहा डेरा डेरे तो जाना इन्हें रमदास दोपहर लगी 12 बजे का टाइम सी इन्हें आखिया चल इतों पानी डाली डंगर नहर के डंगर वड़ गए बदो बदी को इन्हें पुल के उत्तों की करने बेचारे तो डंगर बदो बदी बच्चे वड़ गए तो गाड़ी अगे दरे बंद हो पुल जहा बनया वा एक नहर का वो दरे सारे जड़े बूटी करके बंद होए आ डंगर पिछों आते गए तो सारे वो वड़ते गए सारे के सारे डंगर टोटली 70 डंगर से बेचारे सारे के सारे बच्चे वड़ गए कला ही बेचारा उसे 2-4 गुडिया गुडिया बेचार दिया मुंडा भी कोई नहीं तो भाईचारे लोग सारे यही मांग आ भी सरकार इन्हू कुछ नहीं कुछ मदद दी जाए ये को पैली नहीं बेचारे को बन्ना नहीं मतलब बहन की जगह भी नहीं ठेके से रहा ही बेचारा तो सारा परिवार जरा इसलिए खत्म ही हो चुका फिर यदा जो रोजी रोटी सारी मारी गई तो सरकार वालों यही मांग है भी कुछ नहीं कुछ इन बेचारे मसला हल किया जाए सारे गुजर भाईचारा डंगर चारदा इतने जी इन्हें सारे डेरे मैदान तो उठ के आए हैं इन्हें कहते घर अमदासर जाना सी सारे इतने एक बड़ा पुराना पुल बनया हो जी ये सर थले ड्रेन है उत्तों सर नहर है ये सर 2-3 दिन अगे भी हादसा होया इतने ये सर सारा ही पुल सर बंद हो बूटी के नाल जी जिहड़ा पानी है सर वो बहुत ओवर आउंड है ये सारे पानी हैगा वा फसलों वास्ते प्यालियों वास्ते ये सर नहर महकमा च पानी छड़ दिंदा जी तो सर पानी छड़दा नुकसान बहुत हुंदा ये जिहड़ा पिंड आ ये पिंड दे नाल सर मेरी प्याली आ ये जो पानी चढ़दा फालतू पानी छड़दे आ एक जनाले वाल सकी जांदी आ उहदे वास्ते सर पानी छड़दे नहीं ये सर गुजर चारा मझां लैके आउण डिया सी पता नहीं मझां आप वड़ गईआं जां पानी पीण वड़ गईआं कि सर 70 मझां पुल थल्ले आण के मर गईआं जी सर ड्रेन सर जो सर मैं सरपंच बनया सर एक सर माड़ा मोटा साफ किया इन्हू जी सर उस बाद साफ नहीं किया जी सर मंग ये करते सर एक नहर बनी है सर जी नहर बनी है वो ना कोई चढ़ने वास्ते थां वा ना सर उतरन वास्ते थां वा सर इस तों गांह भी हादसे होणगे इहदा सर कारण की है भी जो ड्र नहर भी बन गई उत्तों की पक्की सर सर नहर तो जो बंदा भी डिग ही पिया सर को हाथ पैना नहीं कहीं बने का कोई सर सरिया जां कोई गऊ घाट इत्थे बनाउंदे जां उत्तर चढ़न नूं सर थां बनाउंदे ना जाने साहब कोई इत्थे डंगर वारा विच डिग पऊगा उस तरह किदां निकलूगा जी सर कोई बंदा ही निकल जूगा डिग पऊगा किदां निकलूगा जी वो सर कोई बंदा छाल ही मार दूगा उहनूं फड़न वास्ते सर आपां किदां विच वड़ जांगे जी सर कोई सरिया लाओ कोई पौड़ी बनाओ इत्थे कोई सानूं पता लगे भी नहर बनी आ सर नहर ते पक्की हो गई आ पर नुकसान कर दूगी इह बहुत ज़्यादा लोकां दा मझा आ रही है डेरे बाबा नानक तो रवाली जा रहा है तो पानी च मही पै गई पानी बहुत ज़्यादा वा भी हदों बद लोग जोड़े आ सारे रोंद आ भी कणक डुब गई बूटी साफ नहीं करते महकमे वाले तो 70 मझा सी तो धियाँ 4-5 बेचारे दहन वाला होर कोई घर टिकाणा यदा नहीं भी कोई पैली बना नहीं घर बहन नी यो मझा भी ले जी करे इतने डेरा ला के बह जाए जी करे तो अगले पिंड बह जाए यो खत्म हो गया दर्ज दर्ज फस गई 70 मझा ने टोटल दी टोटल ही खत्म हो गई कोई नहीं भाजी असी महकमे वालू भी जिन्होंने ड्रेन वाले जो महकमे वाले जिन्होंने भी साफ नहीं बिचो करते पानी हदों वध ही छड्डिया वा तो असी चाहते हाँ भी सानू कोई हक इंसाफ मिलना चाहिए जेकर इत्थे एक वेख जिमीदार सी जे वह ना हों भी छाल मार के बिच पै चलिया जो जे वेखो जिन्हों दुख सी भी अगले का घर बर्बाद हो गया यह भी पै चलिया एक किसान भाई उन्हें बेचारे ने इनू फड़ लिया दौड़ के भी तू ना बिच बढ़ कुछ नहीं होंगे हौसला कर उन्हें फड़ लिया नहीं तो यह भी खत्म हो जाना है हाँ मनू ए ना मनू मनू जी आ बैठे इतने सी अपना हूँ इतने आ गए सिंहपुर ही चल दे डेरे उठ के आए सिंहपुर आ गए बेचारे अज ही आवन डे जी अज ही डेरा लेके आन डे आप ये चाहते हैं भी सानू गवर्नमेंट कोई ना कुछ भी हक इंसाफ सानू चाहिए इतने असल प्रशासन अधिकारी कौन कौन आए अफसर तो चलो आवन डे सारे आए आ बाकी जिमीदार जेडे सारे मदद कर पानी प्यालन डे सब को हौसला देन डे उन्होंने जिमीदारा तो यो करना और कर सकते जिमीदार हाँ जी
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਭਗ 60 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਾਉਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਝ ਉਹ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਟਸ ਏ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਪ ਵਗੈਰਾ ਅਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਖਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।